वेलकम बैक फ्रेंड, स्वागत है आप लोग को फिर से मेरी ये नई वीडियो में। आज मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ रुद्र सिंह पार्क, जो है स्थित जयसागर टैंक के एडजसन में। सो जयसागर टैंक हियर ऑल्सो नोन एज जयसागर बरपुखरी, विच इज़ लोकेटेड 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेन सेंटर ऑफ शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। फ्रेंड्स, मैं अभी घुस रहा हूँ अंदर, यहाँ पर प्रोग्राम भी चल रहा है अभी। As the name suggests, as Rudra Singh Park, which is adjacent to the Jayasagar Tank, the lake, which was made during the reigns of renowned Ahom King Rudra Singh. तो असम में ये आपको भरपूर ये शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में ये पुराना स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये ओल्ड टाउन माना जाता है यहाँ असम का। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर हर कहीं या तो फिर बहुत ही ऑफनली आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी बना हुआ है ये स्ट्रक्चर। अभी हम लोग और आगे जाएंगे और देखेंगे ये जगह को और एक्सप्लोर करेंगे। तो ये बेसिकली दोनों साइड में बटा हुआ है, ये एक चिल्ड्रन पार्क उस साइड है और ये और एक साइड है जो यहाँ पर फूलों का बगीचा बना हुआ है। सब फूल लगा हुआ और मेंटेन किया हुआ ये जो पार्क है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है इसको। ये ऐसा स्ट्रॉ से बना होता है घर, ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिजेंबलेंस करता है जो असम का जो कल्चर है। तो ये फाउंटेन भी बना हुआ है यहाँ पर, कुछ ऐसा दिखता है। मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा करके रखा है और बच्चों के लिए या तो फिर शाम को आप यहाँ पर आके अच्छे से समय बिता सकते हैं। पास में बहुत ही अच्छा जगह है और घूमने के लिए बहुत अच्छा है, शाम को समय बिताने के लिए बहुत अच्छा जगह है यहाँ पर। इस साइड भी देखिए बहुत सारे फूलों का, आई थिंक ये नर्सरी बना हुआ है, ये बेचने के लिए भी यहाँ पर ये लोग करके रखा है। शाम को लाइट वाइट जला के बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर वो लोग बना के रखे हैं, काफ़ी अच्छा है रिलैक्स होने के लिए, काफ़ी ठीक है। तो ये कुछ हैंडीक्राफ्ट्स और कुछ ये लोकल हैंडमेड कुछ ये कल्चरल चीज़ें कुछ बना हुआ है यहाँ पर, ये बेचने के लिए ये लोग डिस्प्ले करके रखे हैं। और ये हम कल्चर और यहाँ का जो लोकल आर्टिस्ट उन लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा बहुत शॉपिंग कर सकते हैं अगर शौकीन है तो, ये सब आर्ट और कल्चर मिल जाएंगे आपको यहाँ पर।
तो फ्रेंड्स अभी मेरा पीछा आप लोग देख पा रहे हैं, ये है मुगा कुकुन। यही फर्स्ट स्टेप है जो इस चीज़ से जो आपको कपड़े बनते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है फर्स्ट स्टेप से कैसे ये इमर्स होके सेकेंड स्टेप में जाके ये लास्ट में आपका फाइनल गारमेंट में तब्दील होता है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुझे, अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ है। दूसरा सेक्शन में हूँ, ये है चिल्ड्रन पार्क, ये बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह है। यहाँ पर देखिए सब बना हुआ है यहाँ पर, तो आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पर, एंजॉय कर रहे हैं मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये दो एक्चुअली दो साइड हो गया, दो पार्ट हो गया, एक उस तरफ है संस्कृति और कल्चर डिस्प्ले किया गया आसाम का, और यहाँ पर बच्चों के लिए ये खेलने की जगह बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छा ये जगह है और शाम को अच्छा है खेलने के लिए बच्चों लोग के लिए भी और बड़ों के लिए भी, ये रिलैक्स करने की बहुत ही अच्छा जगह है यहाँ पर। और ये और एक स्ट्रक्चर है आप देख पाएंगे मेरे पीछे, क्योंकि यहाँ पर ये अहोम जो डायनेस्टी होता है ना, जो असम को रूल किए हैं वो जो अहोम राजा लोग, ये शिवसागर डिस्ट्रिक्ट उन लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था उस टाइम में। कुछ बिहो का प्रोग्राम चल रहा है, कल्चरल प्रोग्राम, तो ये देखने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ अंदर, तो देखने से पता चलेगा अभी प्रोग्राम मैं देखने जा रहा हूँ फिर से।
तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम था वहाँ पर, ये जो कल्चरल डांस बिहू बहुत अच्छे से मैंने एंजॉय किया, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत ही बढ़िया था ये शाम का इवनिंग का जो प्रोग्राम। अभी यहाँ पर फाउंटेन भी चल रहा है, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ा फाउंटेन है। तो यही है यहाँ का जो मेजर आकर्षण, मेजर अट्रैक्शन देख पा रहे हैं, बहुत ही ऊपर तक जाते हैं ये। फिलहाल आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलेंगे एक नई चैप्टर में, नए वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे चैनल में और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सभी को, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद।